हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कामिल खान। आज का ब्लॉग जो हम बना रहे हैं वो है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर हम पिछली बार मैंने मॉडलिंग के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि हम हमारा मॉडलिंग करियर शुरू कहाँ से करें। तो जब मैंने अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया था तो मेरे भी ये असमंजस था, इसी डिलेमा में रहता था कि कैसे शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटी छोटी जगह से आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मॉडलिंग कैसे शुरू करें। और मैंने देखा है कि बच्चे अगर फोटोग्राफ्स भी लेते हैं तो गॉगल्स पहन के बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो पहली बात तो ये बता दो, जब आप मॉडलिंग करते हैं तो जब तक आप गॉगल्स का कोई शूट नहीं कर रहे होते हैं, ऐड नहीं कर रहे होते हैं, तब तक मॉडलिंग में गॉगल्स नहीं लगाते हैं, या कोई फंकी लुक का कोई रैंप होता है तो आप गॉगल्स लगाते हैं? वरना आप देखेंगे जनरली जो शूट हैं और जो रैंप शोज होते हैं वहाँ गॉगल्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपके चेहरे का जो एक मेन पार्ट होता है वो आँख, आपकी आँखें होती हैं, आईज होती हैं, तो अगर आप गॉगल्स लगा लेते हैं तो आँखें जो हैं वो छुप जाती हैं, तो गॉगल्स लगाए नहीं। अब रिक्वायरमेंट ये है कि आप शुरू कहाँ से करें। इसके लिए कुछ लोग हैं जो, सबसे पहले तो एक फ़ोटोशूट होना चाहिए। अब ये नहीं कि फ़ोटोशूट के नाम पे आप 2 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, रिक्वायरमेंट होती है, वो चार्ज भी करते हैं फोटोग्राफर्स। आपका कोई दोस्त है, आपके पास कैमरा है तो अच्छी फोटोग्राफ्स आप लें। अब जब आप फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट, आपके एक्सप्रेशंस, कि आप कैमरे पे आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, फेस जो आपका डल नहीं नज़र आना चाहिए, मॉडलिंग का एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है कैमरे के सामने, और आपकी लैंग्वेज कैसी है, स्पीच स्किल्स कैसी हैं, ये भी देखा जाता है, क्योंकि अगर आप प्रिंट शूट करते हैं तो वहाँ पे आपको एड जो है एक्टिंग करनी होती है थोड़ी, या फिर बोलना होता है, कुछ डायलॉग्स बोलने होते हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इंग्लिश का प्रोनंसिएशन, आपका हिंदी का प्रोनंसिएशन, क्योंकि हमारे बहुत सारी खामियाँ हैं, हम उतना लैंग्वेज में पारंगत नहीं है, इसलिए हमें दिक्कतें आती हैं। खैर, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो जब आप मॉडलिंग शुरू करें तो सबसे पहले अगर आप कहीं पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो बताएंगे कैसे कि आप कैसे दिखते हैं, क्योंकि आप ऐसा बाद में होगा कि आपका ऑडिशन होगा, ऐसा नहीं कि ऑडिशन नहीं होता, ऑडिशन होता है, लेकिन सबसे पहले मॉडलिंग में आपकी फ़ोटोग्राफ्स मांगी जाती है। अब फोटोग्राफ्स आपकी, पहला मैंने बताया, पहले रिक्वायरमेंट ये कि गूगल्स नहीं होना चाहिए। हाँ, आप वैसे खींच रहे हैं फोटोग्राफ्स वो ठीक है, हम देखते हैं कि हम गॉगल्स के ज़्यादा शौकीन होते हैं, सनग्लासेस बहुत लगाते हैं और बहुत फोटोग्राफ्स कराते हैं, अच्छी भी आती हैं, लेकिन जब आप मॉडलिंग में जा रहे हैं तो जब एजेंसीज को आप फोटोग्राफ्स भेजते हैं या किसी कंपनी को आप फोटोग्राफ्स भेजते हैं तो आपकी फ़ोटो जो है वो गॉगल्स में नहीं होनी चाहिए। अब जब आप कैमरा फेस करते हैं तो आपको आपका जो एक्सप्रेशंस हैं कैमरे पे बहुत मायने रखते हैं, कि आपका कैसा एक्सप्रेशंस आते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी लैंग्वेज स्किल कैसी है, और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप, कॉन्फिडेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने कैमरा फेस किया तो आ जाती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप बार बार जब करेंगे तो हो जाएगा। और इसके लिए मैं ये भी नहीं कहता कि आपको लाखों रुपए शूट के लिए देने की ज़रूरत है, आप एक डिसेंट फोटोग्राफर हायर करें जो मिनिमम आपका चार्ज करे, या फिर खुद के पास, आपके पास DSLR हो तो अच्छी फोटोग्राफ्स आप अच्छी एडिट करें, बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं चाहते हैं। जब आप मॉडलिंग एजेंसीज को भेजते हैं तो वो आपको कहेंगे कि हाँ, आपको हमारी, एक तो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो मतलब जो आपका शूट करवाया हुआ है, आपने DSLR से किया है या फिर आपने अपने फ्रेंड से करवाया है या किसी फोटोग्राफर से करवाया है, वो फोटोग्राफर वो मांगते हैं फोटोग्राफ्स, और आपकी नेचुरल, जिसको पोलराइड्स बोलते हैं, मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो नेचुरल लुक देखना चाहते हैं, कि आप नॉर्मल कैसे दिखते हैं। उसके बाद तो जब आप वहां जाएंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। फिर मॉडलिंग एजेंसीज की बात करें कि मॉडलिंग एजेंसीज कैसे हायर करती हैं, वो बाद का प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप शुरू कैसे करेंगे, तो एक फ़ोटोशूट करवाएं अपना अच्छा सा, गॉगल्स ना हो। फिर आप जैसे शोज़ होते हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं, रैम्प शोज़ होते हैं, या कुछ शूट की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे आपको देने नहीं है, मैंने बोला था, हाँ कुछ मिनिमम चार्ज जरूर करते हैं, जैसे आप किसी दूसरे शहर में आपको कोई शो करवा रहे हैं, कोई एजेंसी शो करवा रही है, तो जो आपके रहने खाने का है वो चार्ज जरूर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आपसे, अगर आप शो करने जा रहे हैं रैंप और वो आपसे 60,000 रुपीज़ ले रहे हैं, तो 3 दिन के 60,000 रुपये कहीं भी नहीं लगते हैं रहने और खाने के। तो मिनिमम जो भी आपकी ग्रूमिंग फीस होती है 5-7 हज़ार रुपये, दैट इज़ अंडरस्टेबल, और वो आई कैन अंडरस्टैंड के दे कैन चार्ज, लेकिन मैंने देखा है आजकल लोग 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख,
इतना चार्ज कर रहे हैं, और कोई शॉर्ट ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वो आपसे 60,000 ले लेंगे और आपने रैंप शो कर लिया या आपने एक प्रेजेंट कर दिया और आपको आगे बहुत काम मिलने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। काम, मैंने कहा आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी फोटोग्राफ्स कैसी आती हैं और आप कैसा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, उस पर डिपेंड करेगा। मॉडलिंग शुरू करने की जो एज होती है वो होती है 16 से आप शुरू कर सकते हैं, उससे पहले भी टीनेज की होती है या फिर बच्चों की मॉडलिंग होती है, लेकिन 16 से लेके या 16 to 18 के बाद 26 तक जो है मॉडलिंग एजेंसी जो है 26 28 तक हायर करती हैं। 28 से अबो मॉडल को जो है मॉडलिंग एजेंसी हायर नहीं करती। एजेंसी बहुत सारी हैं, दिल्ली में बहुत सारी एजेंसी हैं, मुंबई में बहुत सारी एजेंसीज हैं। अब ये एजेंसीज करती क्या हैं, ये सबसे पहले आपका फोटोग्राफ्स देखते हैं, आप जो उनको मेल करते हैं, आगे आगे के या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, या फिर आगे की वीडियोस में मैं आपको इन सारी जो इंडिया में मॉडलिंग एजेंसी हैं उनकी मेल आईडी जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप करवाती हैं। मोस्टली एजेंसी जो होती हैं वो व्हाट्सएप पे डील नहीं करती हैं, वो आपको ये कहेंगे कि आपका जो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल का मतलब आपकी आपका नेम, एज, हाइट और आपकी फोटोग्राफ्स और आपके व्हाट्सएप नंबर, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो हैं और फोटोग्राफ्स के साथ वो मेल करवाती हैं। वो मेल आईडी जो है मैं आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा। तो मॉडलिंग एजेंसी क्या करती हैं, वो देखती हैं अगर आपका अच्छा लुक लगता है उनको, आपकी बॉडी अच्छी लगती है, आपकी हाइट अच्छी है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो वो आपको फिर अपने यहाँ बुलाते हैं, ऑडिशन लेते हैं। उसके बाद ऑडिशन होता है, वहां पे वो आपकी कुछ नेचुरल फोटोग्राफ्स लेते हैं, लुक देखते हैं कि, क्योंकि आपको पता है कि एडिटेड फोटोग्राफ जो होती हैं वो एडिटेड बहुत होती हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि जो इतनी हाइट है या इतना लुक जो है इनका वो आ रहा है। फिर उनके क्या क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कुछ रैंप शोज वाले या फिर कुछ प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, वो उनके कमर्शियल क्लाइंट्स होते हैं, वो उनके पास आपको उनको आपकी फोटोग्राफ फॉरवर्ड करते हैं। फिर अगर वो कंपनीज आपको ओके करती हैं तो आपको वो असाइनमेंट मिलता है। अब मॉडलिंग एजेंसीज जो होती हैं वो आपसे मिनिमम चार्ज करती हैं, वो जब आप उसके साथ एसोसिएट होते हो तब नहीं करती हैं, आपको उन्होंने काम दिला दिया। सपोज मुझे किसी मॉडलिंग एजेंसी ने 1 लाख रुपीज का काम दिलवाया, 1 लाख का मुझे असाइनमेंट मिला, तो उसमें से उनका 25% या 20% वेरी करता है, अलग अलग मॉडलिंग एजेंसीज अलग अलग परसेंटेज लेती हैं, तो 1 लाख में से 30,000 उनका होगा और 70,000 मेरा होगा। तो इससे फायदा ये होता है कि मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू आपको काम मिलने लग जाता है, पैसे वो चार्ज कर रही हैं जो वो आपको काम दिलवा रही हैं, ना कि मैंने बताया था कि सीधा ही आप मॉडलिंग एजेंसी के पास गए और उन्होंने बोला कि आपको 1 लाख रुपीज देने हैं फिर हम आपको काम दिलाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। शुरू कैसे करें, मैंने फिर बताया आपको, आप एक अच्छा सा शूट करवाएं अपना डिसेंट फोटोग्राफ, उससे पहले शूट से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम शूट करवाते हैं या हम कैमरा फेस करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस की प्रॉब्लम आती है, हमारा कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है। तो कुछ शूट करें, घर पे प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आप जो है फोटोशूट करवाएं। जब आपको लगे कि अच्छा फोटोशूट है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, और फिर उसको आप कहीं भी, आपको मैंने बताया कि मॉडलिंग एजेंसीज के मेल आईडीज मैं आपको दूंगा, काफ़ी मॉडलिंग एजेंसीज हैं, उनको आप फॉरवर्ड करिए कीजिएगा अपनी प्रोफाइल, उनको पसंद आती है तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो ये शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, आजकल बहुत सारे पेजेंट्स हो रहे हैं, तो पेजेंट्स में ऐसा नहीं है कि आप 50,000 दे दें या 1 लाख रुपए दे दें, आप मिनिमम चार्जेज अगर वो ले रहे हैं आपसे 5,000 10,000, बाहर बुला रहे हैं आपको अपने शहर से बाहर, आपको 3 डेज 4 डेज वो शो करवाएंगे और वहां रुकवाएंगे, तो मिनिमम चार्ज है, अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके रहने और खाने का तो आपको ही देना पड़ेगा, आपको वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो वो चार्ज आप दे सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि रैंप कैसे करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बाद में जब आप रैंप मॉडलिंग के लिए जाएंगे तो वही बताया मैंने, एजेंसीज होती हैं और मॉडलिंग कोरियोग्राफर भी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, शो डायरेक्टर होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े, वो आपकी हाइट देखते हैं। रैंप में मैंने पिछली बार ही बताया था कि आपकी हाइट मायने रखती है, आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है, आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है, आप कैसे वॉक करते हैं। अब वॉक की जब बात करो, अभी हमारा कंपटीशन चल रहा है तो मैंने देखा है, खैर फर्स्ट टाइम है बहुत सारे लोगों का, तो आई अप्रिशिएट कि बहुत बड़ी बात है अगर आप स्टेज पे आते हैं फर्स्ट टाइम और आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टाइमर के लिए, बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट दैट एंड वेल डन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन अभी वॉक जब आप करेंगे तो वॉक में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं, वो जो मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है अपनी
इस आईडी पे, इस यूट्यूब चैनल पे। वो मेरा कोई शो था जिसमें फंकी लुक था और मुझे गॉगल्स लगाना था, वो जैकेट थी, वो लुक ऐसा था जिसमें मैंने गॉगल्स उतारा था और पहना था। वैसे शोज में जनरली गॉगल्स नहीं लगाते हैं, मैंने बताया आपको। जो वॉक करते हैं तो दो, एक तो ट्रेडिशनल वॉक होती है, एक आपकी होती है वेस्टर्न वॉक। अब जब वेस्टर्न वॉक आप करेंगे तो आपको नेचुरल वॉक है, आपको ज्यादा बॉडी को हिलाना नहीं है, नेचुरल आपको वॉक करनी है। पांव आपके टेढ़े नहीं होने चाहिए, सीधा आपको एकदम चलना है, आपके शोल्डर ज्यादा मूव नहीं होने चाहिए, सीधा चलना है। पोज देना खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने देखना है, सीधा आपको आपका जो है लुक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप चारों तरफ देख रहे हैं। हाँ, अगर डिमांड होती है, प्रेजेंट में कहा जाता है कि स्माइल करो तो स्माइल करो, जनरली शोज में आप नॉर्मल सी स्माइल रखते हैं, थोड़ी सी रैम शो करते हैं तो और एक डिसेंट आपकी स्पीड होती है, बहुत स्लो नहीं होते आप, एक डिसेंट स्पीड होती है। दूसरा वॉक होती है, इसका मैं वीडियो डाल दूंगा वेस्टर्न का, कि मैंने कुछ शोज किए हुए, तो वो वीडियोज इसके बाद आप देख लीजिएगा कि कैसे वो वॉक होती है। दूसरी वॉक जो होती है वो होती है ट्रेडिशनल वॉक। अब ट्रेडिशनल वॉक में, ट्रेडिशन का मतलब समझते हैं, जैसे दूल्हा जो है वो शेरवानी अपन पहनते हैं या फिर धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उसमें जो वॉक होगी वो स्लो वॉक होती है, क्योंकि आपने देखा होगा दूल्हा जब शेरवानी पहन के चलता है तो बड़ा ही डिसेंट सा वॉक होता है उसका, ऐसा नहीं कि वो जल्दी जल्दी चलता है। कोट पैंट में फिर भी वो जल्दी जल्दी चल सकता है, जीन्स टी शर्ट में जल्दी जल्दी हो सकता है, वो वेस्टर्न लुक आ जाता है। लेकिन जब वो ट्रेडिशनल वॉक करता है तो ध्यान देने वाली चीज है कि मैंने देखा है कि लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी वॉक करते हैं। आपको नॉर्मल तरीके से वॉक करना है, जो जनरली वॉक करते हैं उससे थोड़ा सा धीरे स्पीड रखनी है, खड़ा होना है, पोज देना है, कैमरे में देखना है और कॉन्फिडेंटली पोज देना है। अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है, एटीट्यूड के साथ आपको एक्सप्रेशंस देने हैं। उसके बाद में पोज देके आपको बैक जाना है। ये वॉक भी मैं डाल दूंगा, मेरे ट्रेडिशन वॉक किए हुए तो मैं डाल दूंगा। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मॉडलिंग से रिलेटेड या ब्लॉगिंग, हम आगे की और भी वीडियोज बनाएंगे, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो उसके बेस पे आगे के वीडियोज आएंगे। तो अगर आपके अभी कोई सवालात हैं, आपके क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं, तो आप देखें, आप यहाँ पे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किस चीज़ पे आप जो है अगला ब्लॉग चाहते हैं। बाकी आपका बहुत प्यार मिल रहा है, जो कंपटीशन चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वेल डन एवरीवन। आप भी देखिएगा जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो उनको कमेंट करके उनको सपोर्ट कीजिएगा। अभी जल्दी ही मैं एक रैंप शोज करवाऊंगा, एक प्रेजेंट करवाऊंगा राजस्थान के लेवल का, तो बहुत सारे टैलेंटेड अभी टैलेंट आया है, उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे। एंड ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।